अगर बात करिए तो गुजरात में परषोत्तम रूपाला विवाद वधु उग्र बन्यो छे। क्षत्रिय समाज भाजप पासे एक ज मांग पर अड्यो छे। क्षत्रिय समाज नी मांग छे के राजकोट माथी रूपाला नी टिकट रद्द थवी जोईए। रूपालाए क्षत्रिय समाज नी बहनों विषे खोटी अने अभद्र टिप्पणी करी हती। समग्र गुजरात में कही शकाय के छेल्ला केटलाक दिवसों थी चाली रहेला आंदोलन में हवे खुलीने करणी सेनानी एंट्री थई छे। राजकारणी कही शकाय के राष्ट्रीय करणी सेनाना अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराणा आज गुजरात में क्षत्रिय समाज ने समर्थन आपवा आव्या हता, जे दरमियान तेमनी बोपल माथी अमदावाद पोलीसे अटकायत करी लीधी हती। आ पहला महिपाल सिंह मकराणा अने पोलीस वच्चे शाब्दिक चकमक पण थई हती। छत्राणियों को जोहर करना पड़ रहा है, एक आम राजपूत की भूमिका क्या रहेगी, उस तौर पे भी आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। अगर नौबत यहाँ तक है कि हमारी बहन बेटियों को एक कदम उठाना पड़ रहा है, तो क्या कमजोरी रही होगी आप देख सकते हैं। राजपूत समाज ने पिछले 10-15 दिनों में पूरे गुजरात में मूवमेंट खड़ा किया कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए, और क्यों काटा जाए पूरा देश जानता है। क्या किसी को अनुमति मिल जाती है एमपी के चुनाव में एमपी की भाजपा की टिकट हो जाए कांग्रेस की टिकट हो, कि वो किसी भी जाति संप्रदाय को राजी करने के लिए किसी और अन्य जातियों की महिलाओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी करे। क्या आपको लगता है कि आपकी मेरी बहन बेटी अलग है, मेरे समाज की बहन बेटी है, आपके समाज की बहन बेटी है। स्वाभिमान इज्जत आबरू सबकी एक है, चाहे वो पाटीदार समाज की मेरी बहन बेटी हो तो मेरे बराबर है, चाहे राजपूत समाज की हो तो मेरी बराबर है, और चाहे वो दलित की हो वो भी मेरे बराबर है। और आज क्षत्राणियों को जोहर करना पड़ रहा है 15-20 दिन यहां विरोध प्रदर्शन के बाद, क्योंकि कल परसों आपके मीडिया बंधुओं ने बोला कि रूपाला है पुरुषोत्तम, वो तो अपने जो विधानसभा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां अपनी जाकर कंपेनिंग वो चालू कर चुका, अपना चुनाव प्रचार चालू कर चुका। तो लोगों को, हमारे समाज की महिलाओं को ये लगा कि कहीं ना कहीं अब इनकी टिकट नहीं कट रही है तो हमें ये कदम उठाना चाहिए। और अब तक मैं बोल रहा हूं आपको, मैं राजस्थान की राजपूताना की धरती से आता हूं, पर गुजरात और राजस्थान ज्यादा अलग नहीं है। और मैं मेरे भाइयों के बीच में आया हूं, और अगर मेरी बहन अगर कोई अगर कदम उठाने को तैयार है कि हम लोग जोहर करेंगे, तो उससे पहले राजपूत समाज का हर एक युवा शाखा करेगा, तब जाके जोहर की अनुमति देंगे। ऐसे नहीं मानने देंगे, ऐसे जोहर मेरी बहन बेटी को नहीं करने देंगे। जब तक हर एक राजपूत जिंदा है और उसमें अभी भी रगों में महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान झालामान का खून अगर दौड़ रहा है, तो ऐसे नहीं हमारी बहन बेटियों को जोहर करने देंगे।